नमस्ते दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस के बारे में जानेंगे। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो वायरस आया है चाइना से आया है। चाइना का जो मार्केट है, जो मार्केट के अंदर से ये वायरस निकला। करीबन जब चाइना से स्टार्ट हुआ तो कम से कम 30-40 या फिर 50-60-70-80 लोगों की मौत हो गई ये वायरस की वजह से, जो कोरोना वायरस है। और चाइना से जो कोई भी न्यूज अगर निकल के आती है तो सबसे ज्यादा मौत हो यहाँ से डेट होती है। मगर जो है ना, जो कम आंकड़ा बताते हैं चाइना का जो मीडिया है, तो इसी सोच को आगे लेते हुए पूरी इंडिया ने भी अच्छे से कदम आगे बढ़ाया है। जल्दी से जल्दी ये वायरस के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाए, और ये सब करने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी आगे बढ़ चुकी है। और ये वायरस जो है तो किसी का थूंक से अगर किसी का संबंध में आ जाते हैं, जिसको जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है, सर्दी खांसी बुखार ये सब उनके लक्षण है, तो उसके वो वायरस से बचने के लिए सबसे एक ही तरीका है कि आप कुछ दिन तक ज्यादा से ज्यादा बाहर मत पड़िए, जितना हो सके बाहर निकलने की कम कोशिश कीजिए। जब तक ये वायरस कम नहीं होता तब तक तो अपने आपको बर्तन साफ को रखिए और अपना घर स्वच्छ रखिए, पूरा साफ सुथरा रखिए। यही मैं सबसे कहना चाहता हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम थोड़ी दिखती हुई होगी, मगर मैंने कोशिश की है। छोटे से गांव से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो आपका प्यार चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट अगर आप दोगे तो अच्छे सा DSLR कैमरे से शूटिंग होगा और नॉलेज भरी वीडियो ये चैनल पे मिल जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय किसान।